हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू चैनल। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना। इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए और भी वीडियो बना रखें, चैनल पर जाकर चेकआउट जरूर करना। तो दोस्तों, जब से तारक मेहता में न्यू रोशन की एंट्री हुई है, तभी से तारक मेहता में काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि जो ये नई वाली रोशन है, ये काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती है। अगर बात की जाए यार पुरानी वाली रोशन की, तो वो काफ़ी अच्छी थी, जिनका नाम यार जेनिफर था। न्यू वाली रोशन का नाम थोड़ा अजीब सा है, तो उसकी वजह से मैंने उसकी फ़ोटो के साथ ही लिख दिया, तो आप लोग वीडियो को पोस्ट करके पढ़ सकते हो। तो जेनिफर एकदम बढ़िया एक्ट्रेस थी, जो कि इतने सालों से रोशन का जो कैरेक्टर था उसको अच्छी तरीके से तारक मेहता में निभाती हुई आ रही थी। मेरे हिसाब से तो दोस्तों तारक मेहता ने बिल्कुल भी गलत रिप्लेसमेंट किया है। मतलब कि आप लोगों को पता है कि कभी कभार जब जेनिफर तारक मेहता शो में नहीं हुआ करती थी, तब हम लोगों को ये वाली रोशन तारक मेहता में देखने के लिए मिलती थी, जिनका फ़ोटो मैंने डिस्प्ले पे लगा दिया। ये वाली रोशन भी काफ़ी अच्छी लगती थी तारक मेहता में, और काफ़ी अच्छी तरीके से ये भी रोल को निभाती थी। लेकिन तारक मेहता ने एकदम डिफरेंट ही कर दिया, नई वाली एक्टर को लेके आ गए, मतलब कि नई रोशन को लेके आ गए। जब जेनिफर ने तारक मेहता को लीव करा, तो मेरे हिसाब से तो तारक मेहता के पास ऑलरेडी एक अपॉर्चुनिटी थी और एक अच्छा खासा चांस था कि वो इन वाली रोशन को लेके आ सकते थे, लेकिन उन्होंने यार एकदम ही ओवर एक्टिंग की दुकान को लेके आ गए। मतलब कि यार ये वाली रोशन मेरे को तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है तारक मेहता में रोशन का। दोस्तों, ये लोग रोशन का जो रोल है उसको अच्छे तरीके से निभा पा रही है, मतलब कि इन्होंने तो यार एकदम ओवर एक्टिंग की दुकान बना दी। और जो ये वाली नई वाली रोशन है, इन्होंने तो जो रोशन का एक लेजेंडरी करेक्टर था उसको एकदम बकवास ही बना के रख दिया। मतलब कि मैं इतने समय से देख रहा हूँ कि मेरे को तो इनकी एक्टिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। मतलब कि तारक मेहता काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहा है कि ये वाली जो रोशन है वो जेनिफर की तरह एक्टिंग कर। साफ देख पा रहे हैं कि जो ये वाली रोशन है वो एकदम फेल हो रही है, एकदम नाकामयाब हो रही है। मेरे हिसाब से तो तारक मेहता ने अभी तक का जो सबसे बकवास जो रिप्लेसमेंट किया है यही वाला है। क्योंकि यार देखो, तारक मेहता काफ़ी ज़्यादा ट्राई तो कर रहा है, लेकिन ये वाली जो रोशन है वो अच्छा खासा तारक मेहता को बेनिफिट नहीं देगी, और काफ़ी ज़्यादा हेट तारक मेहता को देखने के लिए मिल रहा है इनकी वजह से। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि जो राइटर लिखेंगे उसी तरीके से तो एक्टर एक्टिंग करेंगे। लेकिन यार फिर भी हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही उन वाली रोशन को देखा था, जेनिफर को, इसी चक्कर में शायद हम लोगों को उनकी आदत हो कि उनकी एक्टिंग करने का तरीका, उनकी बोलने का तरीका, उनका ड्रेसिंग स्टाइल वगैरह का तरीका। और इसके पता आप लोगों को, जब जेनिफर कभी कभार तारक मेहता में शूटिंग वगैरह पे नहीं होती, तो हम लोगों को ये वाली रोशन देखने के लिए मिलती। तो मेरे हिसाब से तारक मेहता के पास ऑलरेडी सेकंड ऑप्शन था। जैसे वो डॉक्टर हाथी के साथ चले गए, डॉक्टर हाथी किसी और को नहीं किया, जबकि पुराने वाले हाथी थे उन्हीं को वापस लेके आ गए। तो मेरे हिसाब से अगर ये वाली रोशन को वापस लेके आ जाते, तो तारक मेहता के पास काफ़ी अच्छा खासा चांस भी रहता। लेकिन तारक मेहता स्टार्टिंग से कुछ डिफरेंट करता है, और मेरे हिसाब से देखो दोस्तों, ये वाला एकदम बकवास ही तारक मेहता ने किया है। मतलब कि यार वो जेनिफर तो खैर आप लोगों को पता है कि भाई तारक मेहता हम कभी नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी तो कंट्रोवर्सी वगैरह हुई आशित कुमार मोदी के साथ, ये सब चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पता है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके चेकआउट जरूर करना। तो जेनिफर तो आने से रही, तारक मेहता शो में अब कभी भी नहीं आएंगी, वो इतना तो कंफर्म हो गया है लेकिन दोस्तों, जो भी आया तारक मेहता में, मेरे को जब भी मैं इस वाली रोशन को देखता हूँ ना एक्टिंग करते हुए, मेरे को एकदम बकवास लगता है। और मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही है। मतलब कि ट्राई करती है पुरानी वाली रोशन की तरह बातें करने का, ड्रेसिंग स्टाइल वगैरह, लेकिन एकदम भी मैच नहीं कर पाती है। तो बाकी दोस्तों, आप लोगों का कहना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी यार इस वीडियो में किसी भी आर्टिस्ट को हेट नहीं कर रहा, मैंने पहले भी कहा तरफ भी कहता हूँ कि जैसा राइटर लिखेगा वैसे ही एक एक्टर एक्टिंग करेगा। लेकिन यार फिर भी ये मेरे को लगता नहीं है कि अच्छी तरीके से रोशन वाले रोल को निभा पा रही है। तो दोस्तों, आप लोगों का कहना मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोज़ के लिए और भी वीडियो बना रखें, चैनल पर जाकर चेकआउट जरूर करना। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।